उधर बिहार में जेडीयू आरजेडी की सरकार बनने के बाद से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। पटना में अपराधियों ने एक ही परिवार के 5 लोगों को गोली मार दी। पटना में अपराधियों ने एक ही परिवार के 5 लोगों को गोली मार दी। बिहार को थर्रा देने वाले इस गोलीकांड में पति पत्नी की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। मामला खुसरूपुर इलाके के मंसूरपुर लोदीपुर गांव का है। बताया जाता है कि बच्चों के बीच हुई झगड़े के बाद शुक्रवार की शाम करीब 7 बजे हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस गोलीबारी में अरुण सिंह और उनकी पत्नी मंजू देवी की मौत हो गई। अरुण सिंह और उनके 3 रिश्तेदार घायल हो गए। इस हत्याकांड का गवाह अरुण सिंह का बेटा है, जिसका आरोप है कि पुलिस को वारदात वाली जगह पर पहुंचने में 4 घंटे लग गए। पहुंची बहुत लेट के पहुंची, 7 बजे हुआ था मर्डर, अब पहुंचे 11 बजे, ये सोच लीजिए आप। उसके बाद क्या हुआ, पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हुआ अभी तक? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, अब तो पोस्टमास्टर के लिए हम आए हैं। इस हत्याकांड में गुस्साए लोगों ने लाश सड़क पर रखकर ट्रैफिक जाम कर दिया। बाद में पुलिस और प्रशासन ने लोगों को समझा बुझाकर जाम तो खुलवा लिया, लेकिन इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अब भी बाहर हैं।